सो गाइज ये है 2019 की यामा R15 वर्जन 3। और ये जो आप कलर देख रहे हैं ये बेसिकली कस्टम कलर इस बाइक में किया गया है, क्योंकि ऑफिशियल कलर जो यामा ने रिलीज़ किया वो बेसिकली बस तीन कलर है, वो है रेड कलर, एक डार्क ब्लैक कलर और एक ब्लू कलर। ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक कस्टम कलर, ये पूरी बाइक में एक कस्टम कलर किया गया जो कि येलो कलर किया गया है। और यदि गाइस आप सभी का कोई स्पेशल कलर है तो वो भी आप अपने यामा R15 में करवा सकते हैं। ये जो गाड़ी बनाई गई ये परफेक्ट राइडर्स जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड वहाँ पर बनाई गई है। बेसिकली इसको जो कलर कस्टम कलर किया गया है वो परफेक्ट राइडर्स ने के पास ही यहाँ पे किया गया है। और यदि गाइस आपको कोई भी अपना स्पेशल कलर करवाना है तो आप परफेक्ट राइडर से कांटेक्ट कर सकते हो, उनका मैं कांटेक्ट डिटेल्स और जो एड्रेस होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप यदि कोई भी R15 आप अगर न्यू परचेस करना चाहते हैं और अगर आप उसका कलर जो ऑफिशियल कलर से डिफरेंट चाहते हैं तो आप उनको पहले स्टार्टिंग में बोल सकते हैं कि मुझे ये कलर चाहिए। सो उसका चार्जेस है अराउंड 25,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। और यदि आप उस 25,000 रुपीज़ पे करेंगे तो उसमें आपको एक अपना खुद का एक कस्टम कलर मिलेगा। साथ ही साथ ये जो बाइक्स हैं ये पूरी तरह से रोड लीगल बाइक्स है, क्योंकि जो आपका RC बुक मिलेगा RC बुक में भी आपका ये कलर मेंशन रहेगा, तो आपको पुलिस से भी कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आजकल जैसे आप जानते हैं कि मॉडिफिकेशन में कितना ज़्यादा नाटक हो रहा है, कोई भी अपना कलर करवाता है तो RC बुक से अगर वो मैच नहीं करता तो डेफिनेटली पुलिस से बहुत ज़्यादा पंगा होता है। पर ये यदि ये इस तरह का आप कराएंगे अगर परफेक्ट राइडर्स के थ्रू अगर आप करवाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जो भी उसमें चेंजेस होगा कलर में वो आपको ऑन पेपर्स मिलेगा। सिंपली आपको सिर्फ 25,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो मन चाहा कलर होगा वो आपको कलर मिल जाएगा। अभी तक फिलहाल जैसे कस्टम कलर में आपको तीन कस्टम कलर्स अभी तक परफेक्ट राइडर्स ने किया है, एक हो गया ये येलो कलर और जो दूसरा कलर वो है गोल्डन एंड ब्लैक कलर, और जो तीसरा कलर है वो एक रेड कलर। रेड कलर वेरिएंट का जो यामा R15 उसको मैं कुछ दिन के बाद वीडियोस अपलोड करूँगा, क्योंकि वो अभी पेंट पे गया है और कुछ दिन लगेगा उसको पेंट कंप्लीट होने में। और डेफिनेटली उसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे भी ज़्यादा अच्छा आपको वो रेड वाला लुक लगेगा। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब बात करते हैं इस कलर स्कीम के बारे में। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो कि ये जो बाइक में कलर की गई है वो बेसिकली एक ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन किया गया है। जो फ्रंट फेयरिंग यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है वो पूरी तरह से यहाँ पे ब्लैक रखा गया है, और जो टैंक पोर्शन है टैंक के दोनों साइड में आपको येलो कलर दिख रहा है, और जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा है। मतलब यहाँ पे पूरी तरह से एक ब्लैक कलर नहीं किया गया है, मतलब शेड्स अलग अलग यहाँ पे रखा गया है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं बीच का जितना भी पोर्शन है वो ब्लैक है और जो साइड का जो जितना भी पोर्शन है वो पूरी तरह से येलो है। इवन इसको जो पीछे का जो सीट कवर वाला पोर्शन है, जो साइड का जो ये मडगार्ड जैसे बना हुआ है, यहाँ पे भी आपको पूरा येलो कलर कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। इवन जो नीचे में स्ट्रिप्स दी गई है वो भी यहाँ पे ब्लैक किया गया है। इसका जो पूरा जो फ्रंट हैंडल बार ग्रिप है वो सारा कुछ यहाँ पे ब्लैक रखा गया है, और जो साइड फेयरिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक येलो एंड वाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा गया है। इवन अगर फ्रंट पोर्शन में आएंगे तो फ्रंट का जो हेड पोर्शन है वहाँ पे आपको बीच में वाइट कलर की स्ट्रिप देखने मिलेगी, और दोनों साइड पोर्शन में आपको येलो कलर का कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है। ये बेसिकली जो कलर किया गया है वो बाइक का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है, क्योंकि बाइक और भी ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है। यहाँ पे अलॉय व्हील जो रखा गया है वो पूरी तरह से ब्लैक रखा गया, क्योंकि इस तरह का एक और येलो R15 बना गया था पर उसमें जो अलॉय व्हील रखा गया था वो पूरी तरह से येलो था, पर यहाँ पे कस्टमर का डिमांड था कि जो अलॉय व्हील्स रहे वो पूरी तरह से ब्लैक रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलॉय व्हील पूरी तरह से ब्लैक है, सिर्फ साइड की जो लाइनिंग है वहाँ पे येलो कलर किया गया है। मुझे इस बाइक में सबसे जो उसका फ्रंट पोर्शन लग रहा है, जो फ्रंट पोर्शन के बीच में जो वाइट कलर का कॉम्बिनेशन इस बाइक में दिया है वो इस बाइक के लुक को बहुत ज़्यादा अच्छा बना दे रहा है। आप सभी को कैसा लग रहा है ये वाइट कलर का कॉम्बिनेशन और वाइट एंड येलो का कॉम्बिनेशन, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। हालांकि इस बाइक में मैकेनिकल चेंजेस कोई भी नहीं किया गया, सिर्फ ये बाहर का जो कलर चेंजेस है वही किया गया है। और यदि गाइस आपको ऐसा कलर करवाना है तो प्लीज़ आप लोग परफेक्ट राइडर के शोरूम विजिट करिए, आप अपना कुछ भी मनचाहा कलर वेरिएंट उनको बताइए और आपकी यामा R15 उसी कलर वेरिएंट में वो लोग तैयार करके आपको दे देंगे। इस तैयार करने में ज़्यादा समय भी लगता है, कुछ ही दिन कुछ ही हफ्ते का यहाँ पे टाइम लगता है, और आपको सिर्फ 25,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है। उसके बाद आपका जो भी बेसिक कलर है जैसा मनचाहा कलर, जैसे हो गया ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, डार्क ब्लू हो गया, और भी बहुत सारे स्पोर्टी कलर आते हैं, आप उस तरीके से अपनी यामा R15 वर्जन 3 को करवा सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये येलो कलर डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर ये येलो कलर का डिज़ाइन आपको पसंद आया प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसे लग रही आपको ये यामा R15 वर्जन 3।